और लखनऊ में 12,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। बता दें कि लखनऊ में एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के करीब 12,000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर हैं। बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में परमानेंट से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे पूरा स्वास्थ्य विभाग टिका है। महिलाओं के लिए ऐसी पोस्टिंग है कि दूर दराज तक स्वास्थ्य केंद्र जाने का साधन तक नहीं मिल पाता है। लखनऊ में तमाम स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस ने अब इको गार्डन भेज दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में स्वास्थ्य कर्मी है जो बारिश में भीग कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। हाथों में बैनर लिए हैं, तख्ती लिए हुए हैं। धरने का हमें शौक नहीं है, हमारी ये मजबूरी है, AMS सब पर लागू हो, ये जरूरी है। तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो पीछे भी हैं उनके हाथ में हालांकि बैनर है, जागो सरकार का नारा दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोग की मांगे हैं जो बारिश में आलू भीगे, हजारों लोग लखनऊ पहुंचे हैं? सर, हमारी मांगे जो हैं, वेतन विसंगति सबसे बड़ी बात है। 6-6 साल हो रहे हैं लोगों को काम करते हुए। कैडर में लिखा गया था कि 6 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, परंतु उसके अभी तक कोई भी नीति नहीं है, कोई कैडर नहीं है। यहाँ पे वेतन विसंगति सबसे ज्यादा है सर। मेरे को 5 साल हो गए तब भी मेरे को 26,000 रुपये 27,000 रुपये सैलरी मिलती है। 15,000 रुपये PBI का मिलता है, जिसमें इतना भ्रष्ट और घोटाला है कि सर उसमें 4,000 मांगता है, कोई 5,000 मांगता है। जब तक पैसे नहीं दिए जाते, जब तक कार्य आगे नहीं बढ़ता, जबकि हमारे इंडिकेटरों को हम पूर्ण रूप से सही करते हैं सर।